गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का। क्लास जो है वो आपकी 12th क्लास है, ठीक है। और बुक जो है आपकी वो वितान बुक है, मतलब जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। और पाठ का नाम है आपके अतीत में दबे पांव, ठीक है। पाठ 3 जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज हम आपको समझाएंगे, और पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक है ओम थानवी जी, ठीक है। इस पाठ के जो लेखक है वो ओम थानवी जी हैं। और अब आपको करना क्या है, एज अ होमवर्क, आपको होमवर्क में इस चैप्टर से क्या क्या करना है जो कि आपको बुक में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओम थानवी जी का जो है वो जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय आपको आपकी बुक में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वितान, उसमें मिल जाएगा। चैप्टर के साथ ही, जैसे कि बाकी जो बुक्स हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं, उनमें आपको बड़े ही आसानी जो है वो जीवन परिचय वहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन इसमें जो वितान बुक है इसमें चैप्टर के साथ में आपको जो है वो जीवन परिचय नहीं दिया गया है। आप लास्ट में, बुक के लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो जीवन परिचय लिखा आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुक में आप एंड में देखिएगा तो आपको जीवन परिचय मिल जाएगा। अब आपको जीवन परिचय जो है वो एज इट इज नोट डाउन नहीं करना है, आपको दिए गए पॉइंट्स के अनुसार, यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स मैम ने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आपको उन पॉइंट्स के अनुसार ही जो है वो जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं जन्म लिखना है आपको, फिर मृत्यु, फिर 2 रचनाएं और कला और भाव। केवल इन 4 पॉइंट्स के द्वारा ही आपको जो है वो ओम थानवी जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। इसके बाद पाठ का सारांश। अब आप सोचेंगे पाठ का सारांश आपको कैसे लिखना है, तो पाठ का सारांश हम आपको समझाएंगे, उसको आपको ध्यान से सुनना और समझना है, फिर आप करेंगे उसको अपने शब्दों में, मतलब आप जो सुनेंगे और जो समझेंगे उसको अपने शब्दों में पाठ के सारांश को आप लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना नोट कीजिए बेटा।